दोस्तों अभी खबरें तो आ रही है कि मैडम सरसों का सीजन 2 जल्द ही स्टार्ट होगा, लेकिन अभी युक्ति कपूर जो है जो कि मैडम सरसों के सीजन 1 में करिश्मा सिंह के किरदार में नजर आई थी, वो अभी किसी नए शो को साइन कर दिया है। यानी कि यदि अभी मैडम सरसों का सीजन 2 स्टार्ट किया जाता है तो उसमें युक्ति कपूर करिश्मा सिंह के किरदार में नजर नहीं आएंगी। और अभी काफी सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिससे कि ये पता चलता है कि मेकर्स अभी मैडम सरसों के सीजन 2 में करिश्मा सिंह के किरदार के लिए किसी नए एक्ट्रेस को तलाश रहे हैं। जय हिंद मैडम, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी मैडम। लगता है ब्यूटी पार्लर से आ रही हैं। नहीं मैडम, हम तो स्कूल गए थे। बाकी दोस्तों अभी युक्ति कपूर जी ने की करिश्मा सिंह के किरदार से इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, उन्होंने अभी मैडम सरसों के सीजन 2 में नजर आने के बजाय किसी नए शो को साइन क्यों कर दिया है, आखिर इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी यदि कोई एक्ट्रेस किसी शो को क्विट करती है तो ज्यादातर एक्ट्रेस का एक ही रीजन होता है, यदि वो किसी एक शो में काफी लंबे टाइम से नजर आती रहती है तो वो बोर हो जाती है और वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। जैसे कि अभी भाविका शर्मा को ही देखिए, तो वो काफी टाइम पहले ही मैडम सरसों के सीजन 1 को क्विट कर दी थी ये बता करके कि मैं किसी वेब सीरीज में या फिर किसी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। हालांकि जब शो बंद होने लगा था तब लास्ट में वो शो में वापस भी आई थी। तो अभी शायद ऐसा ही युक्ति कपूर के साथ भी हो सकता है, वो शायद अभी काफी सालों से मैडम सर शो में काम कर रही है तो अभी शायद वो किसी नए शो में काम करना चाहती है। और दोस्तों कुछ ही टाइम पहले जब एक इंटरव्यू के दौरान युक्ति कपूर से मैडम सर शो के सीजन 2 के बारे में पूछा गया था तो वो बताई थी कि अभी तक मुझे मैडम सर शो के सीजन 2 के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी बातचीत चल रही है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग तो यही एक रीजन हो सकता है, शायद अभी युक्ति कपूर कुछ नया ट्राई करना चाहती है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।